नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। पिछले 25 वर्षों में टेक्नोलॉजी के फील्ड में दुनिया में बहुत तेजी से बदलाव हुए। कामकाज के तौर तरीकों से लेकर लोगों के रहन सहन और सामाजिक व्यवहार तक को टेक्नोलॉजी ने प्रभावित किया है। टेक्नोलॉजी के फायदे और नुकसान पर पूरी दुनिया में बहस चल रही है। आज की तारीख में दुनिया में इंटरनेट यूजर्स की संख्या करीब 5.5 अरब है, जिसमें बड़ी संख्या मोबाइल इंटरनेट यूजर्स की है। इंटरनेट का सबसे अधिक इस्तेमाल सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे से जुड़ने के लिए हो रहा है। बच्चे भी इसमें पीछे नहीं है। ज्यादातर स्कूली बच्चे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, स्नैपचैट जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुपर एक्टिव है। इसमें बच्चों की पढ़ाई लिखाई, सामाजिक व्यवहार के साथ साथ बोली और सेहत भी प्रभावित हो रहा है। सोशल मीडिया के नेगेटिव इम्पैक्ट को बच्चों के माता पिता, दादा दादी ही नहीं, दुनिया के कई देशों की सरकारें भी पूरी शिद्दत से महसूस कर रही हैं। पिछले हफ्ते ऑस्ट्रेलिया ने मुल्क के बच्चों को सोशल मीडिया के नेगेटिव इफेक्ट्स से बचाने के लिए बड़ा कदम उठाने का ऐलान किया। दरअसल ऑस्ट्रेलिया सख्त कानून के जरिए 16 साल तक के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने की तैयारी कर चुका है। हालांकि इसकी चर्चा हमारे देश में अधिक नहीं हुई है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश भी बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल की लक्ष्मण रेखा खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक बहुत कामयाबी नहीं मिली है। ऐसे में आज समझने की कोशिश करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया से कैसे दूर किया जाएगा। ये कैसे पता चलेगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल 16 साल से कम उम्र का बच्चा नहीं कर रहा है। फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, चीन जैसे देशों ने अपने मुल्क के बच्चों को सोशल मीडिया के नेगेटिव प्रभावों से बचाने के लिए किस तरह का रास्ता निकाला और उसमें कितनी कामयाबी मिली, ये सिर्फ वेस्टर्न सोसाइटी या डेवलप्ड वर्ल्ड की ही समस्या नहीं है, ये पूरी दुनिया की समस्या है, जिसके मोहपाश में दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में करोड़ों रुपए के आलीशान बंगलों में रहने वाले पढ़े लिखे वर्ग के बच्चे भी हैं और एक कमरे में पूरे परिवार के साथ जिंदगी गुजारने वाले बच्चे भी, जहां मुश्किल से दो वक्त का चूल्हा ही जल पाता है। सोशल मीडिया के मोहपाश का बच्चों की मानसिक और शारीरिक सेहत पर किस तरह का असर पड़ रहा है और इसे रोकने में कहां कहां दिक्कतें आ रही हैं, आज ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे अपने खास कार्यक्रम सोशल मीडिया के मोहपाश में मासूम। ये सोशल मीडिया का मोहपाश ही है जिसने रील और शॉर्ट्स की दुनिया में सबको बराबरी के लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया, गरीब और अमीर के बीच की खाई को पाट दिया है। ये 6 इंच का स्मार्टफोन का कमाल है, जिसमें धन कुबेरों के बच्चे भी अपनी खुशियां तलाश रहे हैं और गरीब बच्चे भी। अधिकतर स्कूली छात्र छात्राएं रोजाना घंटों अपना समय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिता रहे हैं। रोज नई तस्वीर पोस्ट करना, हर पोस्ट पर अधिक लाइक हासिल करना उनके लिए होमवर्क जैसा बनता जा रहा है। ये सब उनके लिए स्टेटस सिंबल और क्लास में रॉब से जुड़ चुका है। ये स्थिति सिर्फ भारत की ही नहीं है, दुनिया के ज्यादातर देश ऐसे हालात से गुजर रहे हैं। उन्हें अपने मुल्क के बच्चों का भविष्य खतरे में दिख रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने भी इस खतरे को बहुत गंभीरता से महसूस किया। राजनीति में ऐसे मौके बहुत कम आते हैं जब सत्ता पक्ष और विपक्ष एक सुर में बोले। सोशल मीडिया का बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव ऑस्ट्रेलिया में कितना बड़ा मुद्दा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी ने कहा कि सोशल मीडिया हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचा रहा है, इसे रोकने का समय आ चुका है, तो विपक्षी दलों के नेता भी उनके सुर में सुर मिलाते दिखे। 18 नवंबर से शुरू होने वाली ऑस्ट्रेलियाई संसद सत्र में इससे जुड़ा बिल पेश करने की तैयारी है। एक ऐसा कानून लाने की तैयारी है जिससे 16 साल से कम उम्र के बच्चे एक्स, टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर रोजाना घंटों समय बर्बाद न कर सकें, बल्कि अपनी जिंदगी के बेहतरीन और कीमती समय का बेहतर इस्तेमाल करें। अब सवाल ये है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ये कैसे तय करेंगे कि यूजर की उम्र 16 साल से ऊपर है। आखिर ऑस्ट्रेलिया ने किन हालात में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नो एंट्री का बोर्ड लगाने का फैसला किया।
ऑस्ट्रेलिया में बच्चों पर सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभावों को घर से लेकर बाहर तक इस हद तक महसूस किया गया कि ये वहां बड़ा सियासी मुद्दा बन गया। एक आंकड़े के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में एक आदमी सोशल मीडिया पर रोजाना औसत करीब 2 घंटे बिताता है, जिसमें महीने में टिकटॉक पर 29 घंटे 48 मिनट, फेसबुक पर 17 घंटे 48 मिनट, यूट्यूब पर 17 घंटे 6 मिनट, इंस्टाग्राम पर 9 घंटे 36 मिनट, व्हाट्सएप पर 5 घंटे 36 मिनट बिताता है। सोशल मीडिया के समंदर में एक बार गोता लगाने के बाद युवाओं का कितना समय रील और शॉर्ट्स की दुनिया में गुजरा, ख्याल ही नहीं रहता। वर्चुअल वर्ल्ड में अधिक गोता लगाने से बच्चों की पढ़ाई से लेकर सेहत तक प्रभावित हो रही। ऐसे में सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभावों की वजह से बच्चों के व्यवहार में आता बदलाव ऑस्ट्रेलिया में बड़ा सियासी मुद्दा बन गया। अब वहां एक ऐसा कानून बनाने की तैयारी हो चुकी है जिसमें सोशल मीडिया के इस्तेमाल की न्यूनतम उम्र 16 साल रखी गई है। चिल्ड्रन सोशल मीडिया सेफ्टी बिल 2024 कानून बनने के बाद सोशल मीडिया कंपनियों को उम्र सीमा लागू करने के लिए जिम्मेदार बनाएगा। जो ऑस्ट्रेलिया का नया कानून आ रहा है उसको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चों को सोशल मीडिया या इंटरनेट से दूर रखने के 3 बड़े पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि जो वयस्कता की उम्र है, मेजॉरिटी की उम्र है जिसमें कि कोई व्यक्ति कानूनन एग्रीमेंट कर सकता है, वो भारत में 18 साल है और दूसरे देशों में अलग अलग उम्र है। तो जब सोशल मीडिया में कोई बच्चा शामिल होता है तो या ऑनलाइन गेम खेलता है तो कई ऐसे काम करता है जो वयस्क ही कर सकते हैं, इसलिए बगैर बालिग हुए कोई बच्चा सोशल मीडिया का हिस्सा नहीं बन सकता है, ये पहला पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि बच्चों को जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स में जो ठगी की गुंजाइश होती है उससे प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। और तीसरा, बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए, बच्चों का मानसिक उत्पीड़न बचाने के लिए, बच्चों के व्यक्तित्व को विकास को बनाए रखने के लिए उनको सोशल मीडिया की लत से दूर रखना जरूरी है। इसके कानूनी, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक बहुत सारे पहलू हैं। आज की तारीख में सोशल मीडिया का एक्सेस रोकना वही वाली बात हो गई कि आप चाहते हैं कि आंखें बंद कर लें और सूरज लुप्त हो जाए। इस तरह की चीज़ होती नहीं है, होगी भी नहीं। एक बार शेर के मुंह में खून लग जाता है तो उसके बाद उसको वापस हटाना मुश्किल हो जाता है। आज की जो युवा जनरेशन है, यंगस्टर्स हैं, उनके पास ऑलरेडी एक्सेस हो चुका है सोशल मीडिया का, और इस संदर्भ में अब आप चाहते हैं कि उनसे आप एक्सेस छीन लें, एक तो बहुत खिलाफत, बड़ी अपोजिशन वहाँ से होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आप कानून तो बना लेंगे, आप उसे इन्फोर्स कैसे करेंगे? वहाँ पर मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया काफ़ी समस्याएं और चुनौतियां फेस करेगा, इसलिए मुझे लगता है इस तरह के कानून बनाने से पहले आपको 4 बार सोचना चाहिए। इसी महीने एंथनी एल्बनीजी सरकार चिल्ड्रन सोशल मीडिया सेफ्टी बिल 2024 संसद में पेश करने की तैयारी में है। कानून बनने के 12 महीने बाद सोशल मीडिया इस्तेमाल की उम्र सीमा लागू करने की तैयारी है। इस दिशा में पहले ही एक कदम आगे बढ़ाते हुए ऑस्ट्रेलियाई सरकार एक ट्रायल कर रही है, जिसके नतीजों के आधार पर वहां की ई सेफ्टी कमिश्नर जूली इनमैन ग्रांट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को गाइड करेंगी कि उम्र सीमा कानून के नियमों का पालन किस तरह सुनिश्चित कराया जा सकता है। करीब 5 महीने पहले ऑस्ट्रेलिया में एक डिजिटल आईडी बिल 2024 नाम से कानून पास हुआ, जिसका मकसद है राष्ट्रीय डिजिटल पहचान का तंत्र तैयार करना। इसमें स्वैच्छिक रूप से लोगों को ऑनलाइन अपनी डिजिटल पहचान सत्यापित यानी वेरीफाई कराने के लिए कहा गया है। अल्बनीजी सरकार के इस ड्रीम प्रोग्राम को शुरू करने की तारीख 1 दिसंबर 2024 तय है। एक दलील ये दी जा रही है कि ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया के इस्तेमाल में उम्र सीमा लागू करने का कानून सिर्फ डिजिटल आईडी सिस्टम लागू कराने की दिशा में एक कदम भर है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि डिजिटल आईडी सिस्टम लागू होने से मुल्क के बच्चों को सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभावों से बचाने का पहला खिड़की दरवाजा खुल जाएगा। टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया जिस तरह हमारे ज़िंदगी का अमूमन हिस्सा बनता जा रहा है, ये सोच लेना कि आप पूरी तरह से उसे काट लेंगे ये बहुत एक आसान प्रयास नहीं होगा।
लेकिन फिर भी मैं इस तरह की सोच को, इस तरह के कानून को कहीं एक प्रयास मानता हूँ इस बात को स्वीकारने का कि 16 साल की कम उम्र के बच्चे जो अमूमन पूरी तरह जिनका दिमाग परिपक्व नहीं है उनके लिए सोशल मीडिया एक बहुत डेंजरस टूल साबित हो सकता है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि उनकी सरकार बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर जिस कानून को लाने की तैयारी कर रही है उसके प्रावधानों को सख्ती से लागू कराने की जिम्मेदारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की होगी, न कि माता पिता या बच्चों की। वहीं साइबर वर्ल्ड के कानूनी पहलुओं पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स की सोच है कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल की उम्र सीमा को लागू कराना आसान नहीं है। उम्र सीमा के नियम कायदे को बाईपास करने का रास्ता भी निकालने में देर नहीं लगेगी। दुनिया भर में सोशल मीडिया कंपनियों की अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही बढ़ाने की मांग जोर शोर से हो रही है। हालांकि यूरोपीय देशों में बहुत पहले से बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल की लक्ष्मण रेखा खींचने को लेकर बहस चल रही है। फ्रांस अभी स्कूलों में 15 साल तक की उम्र के बच्चों के मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक का ट्रायल कर रहा है। इसके कामयाब होने पर पूरे देश में लागू करने की तैयारी है। फ्रांस में पहले से एक ऐसा कानून है जिसके मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बिना गार्जियन की इजाजत के 15 साल से कम उम्र के बच्चों को इसके प्रयोग से रोकें। कुछ इसी तरह अमेरिका में भी सोशल मीडिया के मोहपाश में बच्चों को बचाने के लिए कानूनी फिल्टर लगाने की कोशिश हुई है, लेकिन उसका कोई खास असर अब तक नहीं दिखा है। अमेरिका के स्कूल छात्रों के लिए सोशल मीडिया को एक नशा की तरह देखने लगे हैं। माना जा रहा है कि बच्चों का ध्यान भटकाने में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। वहां के कुछ स्कूल भी इस मामले में अदालत का दरवाजा खटखटा चुके हैं। 2 साल पहले अमेरिका के सिएटल पब्लिक स्कूल टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, स्नैपचैट जैसी बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों के खिलाफ कोर्ट पहुंच गया। मुकदमे में कहा गया कि सोशल मीडिया की वजह से बच्चों का मानसिक विकास नहीं हो रहा, इसकी जिम्मेदारी सोशल मीडिया कंपनियों को लेनी होगी। स्कूल प्रशासन की ओर से दलील ये भी दी गई कि सोशल मीडिया की वजह से स्कूल बच्चों की ठीक से पढ़ाई नहीं करा पा रहा है। अभी यह मामला वहां की अदालती प्रक्रिया के बीच से गुजर रहा है। अमेरिका में बहुत पहले इंटरनेट एडिक्शन के खतरे को महसूस किया गया था। शायद इसी वजह से वहां बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षा के लिए 1998 में चिल्ड्रन ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया गया था, जो 13 साल से कम उम्र के बच्चों से किसी भी तरह की ऑनलाइन जानकारी लेने से पहले पेरेंटल कंट्रोल की व्यवस्था करता है। अमेरिकी बच्चों को इंटरनेट पर मौजूद कंटेंट के नकारात्मक प्रभावों से बचाने के लिए साल 2000 में चिल्ड्रन इंटरनेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया गया। अमेरिका में सर्विस प्रोवाइडर्स को जिम्मेवार तो ठहराया गया है, लेकिन साथ ही साथ उन्हें हिदायत भी दी गई है कि वो स्पेसिफिक कदम उठाएं ताकि बच्चों का शोषण ना हो सके ऑनलाइन। तो मुझे लगता है ब्लॉकिंग रास्ता नहीं है, इफेक्टिवली कैपेसिटी बिल्डिंग अच्छा रास्ता है। इस साल फ्लोरिडा में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक लगाने वाले कानून को गवर्नर की मंजूरी मिल चुकी है, जिससे लागू करने की डेडलाइन जनवरी 2025 रखी गई। नए कानून में सोशल मीडिया कंपनियों से 14 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करने के लिए कहा गया। एज वेरिफिकेशन से लेकर नियम टूटने पर जुर्माना तक का प्रावधान है। यूरोपीय संघ ने 2015 में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के इंटरनेट और सोशल मीडिया इस्तेमाल पर माता पिता की सहमति के कानून का प्रस्ताव रखा, लेकिन इसका बड़ी टेक कंपनियों और मानवाधिकार संगठनों ने जमकर विरोध किया। कड़े विरोध के बाद भी बच्चों को सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभावों से बचाने का कानूनी रास्ता निकाला गया, जिसमें टेक कंपनियों को टाइट करने के प्रावधान हैं। लेकिन यह देखने की जरूरत है कि सोशल मीडिया कंपनियों की जो खुद की अपनी गाइडलाइंस हैं, जो उनके टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट हैं, उसमें लिखा हुआ है कि 13 साल से कम उम्र का बच्चा सोशल मीडिया ज्वाइन नहीं कर सकता है। इसके बावजूद ये कंपनियां सोशल मीडिया में बच्चों को प्रोत्साहित करती हैं, इंस्टाग्राम में छोटे छोटे बच्चे सक्रिय रहते हैं, और इस बारे में यूरोपियन यूनियन ने GDPR के तहत बहुत बड़ा फाइन कई बार लगाया है।
एक ऐसे मामले में उन्होंने उनके रेवेन्यू का 6% फाइन लगाने के बारे में एक पहल चालू की थी, क्योंकि वो बच्चों को जो सोशल मीडिया में रखा जाता है वो एक आर्थिक लाभ है। कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई आकस्मिक दुर्घटना है या बच्चे गलती से हो रहे हैं। पहले ब्रिटेन में 13 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर माता पिता की सहमति की शर्त रखी गई थी, इसे अब बढ़ाकर 16 साल कर दिया गया है। इसी तरह फ्रांस में भी 15 साल से कम उम्र के बच्चों को इंटरनेट के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए ट्रायल चल रहा है। दुनिया के कई दूसरे देशों में भी ऐसे कई प्रयोग चल रहे हैं। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान जब स्कूल बंद हो गए तो बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई की ओर शिफ्ट होना पड़ा। खेल के मैदान की जगह बच्चों को ऑनलाइन गेम में मनोरंजन खोजना पड़ा। कोरोना खत्म होने के बाद भी बच्चों का स्क्रीन टाइम कम नहीं हुआ। ज्यादातर बच्चे खेलने कूदने के लिए घर से बाहर नहीं निकलना चाहते। डिजिटल गैजेट ही उनका गुरु, गाइड और दोस्त बन चुका है। ऐसे में बच्चों के व्यवहार पर उनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी की बोली या संस्कृति से अधिक इंटरनेट की बोली और तौर तरीका हावी होता जा रहा है। बच्चे ये नहीं समझ पा रहे उन्हें किसके सामने क्या बोलना है। इंटरनेट से बच्चों को जानकारी तो मिल रही लेकिन संस्कार नहीं। इंटरनेट संस्कृति की वजह से बच्चों के भीतर सामाजिक अनुशासन और सहनशीलता में दिनों दिन गिरावट आ रही है। ऐसे में ज्यादातर बच्चे असली जिंदगी की चुनौतियों से जूझने के बदले वर्चुअल वर्ल्ड में दिख रही तस्वीर और वीडियो जैसी लाइफस्टाइल की ख्वाहिश लिए नई बीमारियों के भंवर जाल में फंसते जा रहे हैं। गांव से शहर तक स्मार्टफोन बच्चों का पसंदीदा खिलौना बन चुका है। सामान्य पृष्ठभूमि के ज्यादातर माता पिता को लगता है कि उनका साल दो साल का बच्चा कितना स्मार्ट है जो अपना पसंदीदा गेम या गाना स्मार्टफोन पर खोज लेता है। बच्चा घंटों वर्चुअल वर्ल्ड में अपनी पसंद का वीडियो देखता रहता है। यही आदत आगे जाकर इंटरनेट एडिक्शन में बदल जाती है। आजकल बहुत सारे बच्चे पोर्नोग्राफी की दिशा में पढ़ रहे हैं। एक बार आप पॉन की दिशा में पड़ जाएं तो आपका जो संतुलन होता है एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी लेने का वो कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है आजीवन के लिए। तो इफेक्टिवली बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि बच्चे अब कहीं ना कहीं लोनली और ज़्यादा होते जा रहे हैं और अपने परिवारजन मित्रजन को छोड़ के सोशल मीडिया पर अलग अलग लोगों से नई दोस्ती करने का प्रयास कर रहे हैं। स्मार्टफोन का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से बच्चों में सोशल कॉन्टेक्ट में कमी, ऑनलाइन दोस्तों में अधिक समय देना, आपसी संबंधों और लगाव में कमी, अकेलापन महसूस करना और चिड़चिड़ापन जैसे लक्षण दिखने लगते हैं। इंटरनेट एडिक्शन बहुत हद तक बच्चों की शारीरिक और मानसिक सेहत पर बुरा असर डाल रहा है। सोशल मीडिया पर जरूरत से ज्यादा एक्टिव बच्चों में एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ईटिंग डिसऑर्डर जैसी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। स्क्रीन टाइम लगातार बढ़ने का असर बच्चों की आंखों की रोशनी पर पड़ रहा है। वर्चुअल वर्ल्ड का सम्मोहन दिनों दिन बच्चों की नींद कम करता जा रहा है। सोशल मीडिया का नशा बच्चों को साइबर बुलिंग की ओर धकेल रहा है। कुछ रिसर्च के मुताबिक सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा असर बच्चों की नींद पर पड़ता है, जिससे उनका कॉन्फिडेंस कम हो रहा है। खाने पीने के तौर तरीकों पर भी असर पड़ रहा है, मतलब बच्चों की आउटडोर एक्टिविटी कम होने और स्क्रीन में घुसे रहने की वजह से बच्चों का मेंटल हेल्थ बहुत हद तक प्रभावित हो रहा है। पड़ोसी मुल्क चाइना में भी बच्चों पर सोशल मीडिया के नेगेटिव असर को महसूस किया गया। ऐसे में बच्चों की सोशल मीडिया की लत छुड़ाने के लिए पिछले साल वहां की सरकार ने एक गाइडलाइंस जारी की, जिसके मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच नाबालिगों के लिए मोबाइल इंटरनेट के इस्तेमाल पर रोक है। देश भर में 16 से 18 साल के बीच की उम्र के युवाओं को सिर्फ 2 घंटे इंटरनेट के इस्तेमाल की इजाजत है। 8 से 15 साल के बच्चों को 1 घंटे इंटरनेट के इस्तेमाल की छूट है। वहीं 8 साल से कम उम्र के बच्चों को सिर्फ 40 मिनट की इजाजत है। जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसके फायदे भी होते हैं और नुकसान भी। स्मार्टफोन से अगर जिंदगी आसान हुई है, उंगलियों के इशारे पर दुनिया की हर जानकारी मौजूद है, तो मोबाइल और इंटरनेट
आपको दुनिया से कनेक्ट करने के नाम पर अपनों से भी दूर कर रहा है। घर परिवार के संवाद की कड़ियां कमजोर हो रही हैं, खून के रिश्तों में भी भावनात्मक खाई बढ़ती जा रही है। वर्चुअल कनेक्शन जोड़ने के चक्कर में रियल सोशल कनेक्शन का नेटवर्क दिनों दिन कमजोर होता जा रहा है। भारत की आबादी में 18 साल से कम उम्र के लोगों की तादाद 43 करोड़ से अधिक है। जरा सोचिए, इसमें से कितने बच्चे या बच्चियां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव नहीं होंगे, कितने ऐसे होंगे जो अपनी प्रोफाइल पिक्चर नहीं बदलते होंगे या रील नहीं डालते होंगे। हमारे देश में बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खाता खोलना कोई बड़ी बात नहीं है। आईटी इंटरमीडिएट रूल्स भारत में 2021 है, उसके तहत इन कंपनियों की जवाबदेही है कि ये बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने के बारे में जरूरी कदम उठाएं। इसको करने के बजाय एक नए तरीके की बहस चालू होती है कि सोशल मीडिया में जो भी यूजर्स हैं उनका आधार कार्ड नंबर दिया जाए जिससे कि ये वेरीफाई कर सकें। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये गलत उसका इलाज है। आधार कार्ड देने से इन कंपनियों के पास लोगों का आधार कार्ड का डेटा भी आ जाएगा और उस डेटा का मिसयूज चालू हो जाएगा। हमारे देश का पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कानून 18 साल तक के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर एक लकीर खींचता है, जिसके मुताबिक सोशल मीडिया कंपनियों को गार्जियन से इजाजत लेनी होती है। बच्चों के पर्सनल डेटा इस्तेमाल के लिए शर्तें, साथ ही विज्ञापन के लिए टारगेट करने से मनाही है। बड़ा सच यही है कि नियम कायदे के बावजूद बच्चों का सोशल मीडिया से मोह कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कभी दुनिया में हो रहे बदलावों से परिचित होने के नाम पर, कभी पढ़ाई में मदद के नाम पर, कभी मनोरंजन के नाम पर सोशल मीडिया का नशा बच्चों के मासूम दिमाग को 24/7 एक्टिव रख रहा है। उनके दिमाग में इतनी जानकारियां पहुंच रही हैं जिसमें गलत सही के बीच फर्क करना मासूमों के लिए बहुत मुश्किल है। जो किशोर और युवा वर्ग है या हम लोग कोई भी वयस्क एल्डरली जो भी समाज का वर्ग है, हमें खुद को समझना होगा और सामाजिक चेतना ये फैलानी होगी कि मुनासिब और पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव यूज हो, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट यूज भी हो, उसमें कोई गलत नहीं। मेजॉरिटी पीपल यूज इट वेल, उनको अवगत कराइए, थोड़ा सावधान करिए, चेतना फैलाइए। इंटरनेट ने एक क्लिक पर पूरी दुनिया से कनेक्शन जोड़ने का मौका दिया है। वर्चुअल वर्ल्ड में नए रिश्ते जोड़े जा रहे हैं और पुराने दोस्त भी सोशल मीडिया के जरिए खोजे जा रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया के जुड़ने की कोशिश में अपनों से ही दूर होते जा रहे हैं। सोशल मीडिया की लत इतनी खतरनाक रूप लेती जा रही है कि परिवार के सदस्य एक साथ बैठे होने के बावजूद आपस में बातचीत करने की जगह अपने अपने स्मार्टफोन स्क्रीन और सोशल मीडिया के संसार में गोता लगाते रहते हैं। ऐसे में सुख दुख आपस में बांटने वाली प्रवृत्ति कमजोर हुई है, परिवार के बीच संवाद का दायरा तंग हुआ है। ऐसे में बच्चे भी वर्चुअल दुनिया में ही अपनी समस्याओं का हल खोजने की कोशिश करते दिखते हैं। इससे मानवीय संवेदना, सामाजिक सरोकार, समस्याओं को मिलजुल कर सुलझाने वाली संस्कृति कमजोर और दिखावे की प्रवृत्ति मजबूत हुई है। मनोवैज्ञानिकों की सोच है कि स्मार्टफोन और सोशल मीडिया बच्चों को भीड़ में भी अकेला बनाता जा रहा है। बच्चा क्लासरूम में भी खुद को अकेला महसूस करता है। दोस्तों के साथ स्कूल में घुलने मिलने की प्रवृत्ति बच्चों में दिनों दिन घटती जा रही है। कई बार बच्चा परिवार में भी खुद को अलग थलग महसूस करने लगता है। वर्चुअल वर्ल्ड के दोस्तों या नायकों जैसी जिंदगी का ख्वाब उसे लगातार परेशान करता रहा है। चरस अफीम की तरह अब सोशल मीडिया बन चुका है, तो वो जो वास्तविक जीवन और सोशल मीडिया के अंतर्गत जो डिस्टिंक्शन है उस लाइन को भूल चुके हैं। उन्हें लगता है जो वो देखते हैं सोशल मीडिया पर वही जीवन है, भूल जाते हैं कि वास्तविक जीवन और है और इंटरनेट पर जो प्रदर्शित, सोशल मीडिया पर जो प्रदर्शित चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा फ़र्क हैं, भिन्न हैं। मुझे लगता है नकारात्मक प्रभाव बहुत पड़ रहा है, बच्चों की मानसिक हेल्थ नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रही है। आज के तारीख में स्मार्टफोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया वक्त की जरूरत है। तकनीक से दूरी बनाते हुए दुनिया के साथ कदम ताल करना नामुमकिन जैसा है। इसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल निजी रिश्तों से लेकर सेहत तक के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। ऐसे में तकनीक का किस हद तक इस्तेमाल किया जाए कि पढ़ाई और सेहत पर भी बुरा असर ना पड़े, साथ ही भविष्य की असली चुनौतियों से भी रूबरू होते रहें।
एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सोशल मीडिया यूजर्स की संख्या करीब 48 करोड़ है। हमारे देश में फेसबुक यूजर्स ही 37.5 करोड़ से अधिक हैं। जरा सोचिए, इनमें से कितने सोशल मीडिया प्रोफाइल स्कूली बच्चों के होंगे? इंस्टाग्राम या स्नैपचैट यूजर्स प्रोफाइल में से कितने बच्चों के होंगे? कितने ऐसे बच्चे होंगे जो अपने मम्मी, मौसी या दादा दादी के नाम पर प्रोफाइल बनाकर एक्टिव होंगे? कितने प्रोफाइल्स में बच्चों ने उम्र से जुड़ी गलत जानकारियां दी होंगी और रोजाना अपना कितना समय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खर्च कर रहे होंगे? वर्चुअल वर्ल्ड में मौजूद दूसरों की लाइफस्टाइल और बोली देखकर अपनी जिंदगी को कोस रहे होंगे। चुनौतियों से लड़ने का व्यवहारिक ज्ञान सीखने के बजाय हवा हवाई दुनिया में खोए होंगे। ऐसे में सोशल मीडिया एडिक्शन से बच्चों को बचाने की पहली शुरुआत घर के भीतर से होनी चाहिए। गार्जियन को रोज कुछ समय जरूर निकालना चाहिए जिसमें परिवार के सदस्य बिना स्मार्टफोन के आपस में एक दूसरे के साथ सुख दुख साझा कर सके, बच्चों की बात गंभीरता से सुनी जा सके। ऐसा नहीं हो सकता कि खुद तो मोबाइल पर व्यस्त रहे और बच्चों को मोबाइल छोड़ने की सलाह देते रहे। दूसरी शुरुआत स्कूल के स्तर पे होनी चाहिए, जहां डेली बच्चों की शुरुआत प्रार्थना और फिजिकल ट्रेनिंग एक्सरसाइज से होनी चाहिए। इससे स्कूली छात्रों को अनुशासित, शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। तीसरी शुरुआत सरकार के स्तर पे होनी चाहिए, जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए ऐसी सख्त गाइडलाइंस होनी चाहिए जिससे बच्चों के मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया एक्सेस को सीमित किया जा सके। ऐसे में स्वस्थ सामाजिक व्यवस्था और देश के भविष्य के लिए सबको गंभीरता से सोचना होगा कि सोशल मीडिया का कब, कहां और कितना इस्तेमाल करना है जिससे बच्चों की क्रिएटिविटी प्रभावित न हो, गलत सूचनाओं के भंवर जाल में फंसकर वो सच्चाई से दूर न हो, सोशल मीडिया पर रिश्ता जोड़ने के चक्कर में इतना समय न बर्बाद कर दें जिससे करीब के रिश्तों में ही दूरी बन जाए। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबर और अपने हक से जुड़े मुद्दों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 24। नमस्कार।